तुंगा थाना इलाके के धनाऊ कला गांव में सूखे कुएं में एक विवाहिता की लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि विवाहिता की हत्या कर शव को कुएं में डाला गया था। शव की पहचान स्थानीय निवासी सीमा बैरवा के रूप में हुई है। सूचना पर एसीपी समेत पुलिस अधिकारी में जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। उन्होंने घटना पर रोष जाहिर किया। पुलिस के मुताबिक सीमा बैरवा पिछले कई सालों से ससुराल न जाकर यहीं पर रह रही थी। शुक्रवार शाम से वह लापता थी। शनिवार को उसका शव सुनसान इलाके में स्थित कुएं में पड़ा मिला है। विवाहिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। कुएं से करीब 100 मीटर पहले पड़े पत्थरों पर खून के निशान पाए गए हैं और जमीन पर घसीटने के निशान हैं। संभवतः विवाहिता की पत्थरों से वार कर हत्या करने के बाद उसे कुएं में डाला गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड व FSL टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने मौके से नमूने एकत्रित किए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कल शाम को ये अपने घर से जाना बता रहे हैं। थोड़ी मानसिक रूप से भी दुश्चित हैं, घर वालों ने जैसे बताया है। तो बॉडी तो निश्चित है कि रात की है और जो घटनास्थल है उससे करीब 150 मीटर दूर ले जाकर उसको कुआ है, पुराना पक्का कुआ है, उसके अंदर डाला है। पुलिस ने कुएं में से उसका डाला है, ग्रहण में से आगे जो है बॉडी पे कटे हुए निशान। हाँ, निशान है और घटनास्थल पर भी पत्थर मिले हैं जिससे जिनके ब्लड लगा हुआ है, ब्लड बिखरा हुआ भी है। तो आकांक्षा यही है कि यहाँ उसका मर्डर करने के बाद में या चोट मार के और इसके यहाँ ले जाते सब क्या मारा कि लड़की विवाहिता थी। हाँ, लड़की विवाहिता है और लेकिन वो 7 साल से यहीं रह रही है, 6 साल नहीं जा रही है। मोहना की तरफ कोई दूरी पर अच्छा। उम्र लड़की की 28 साल की।